आवाज हर भारतीय की वीके टाइम्स न्यूज नहीं आपल्या मुलांचं भविष्य खराब होईल, त्रास आपल्याला होईल. लोक भडकवणारच. तुम्हाला दररोज रस्त्यावर जसं तो रिक्षावाला भेटतो, जसा तो मोटरसायकलवाला भेटतो, फळगाडीवाला भेटतो की ज्याचा राग येतो, कुणाचा कुणाचा माणसाला असतं जातो. मग आपण प्रत्येकाला खिटत असतो का? प्रत्येकाला त्रास देत असतो का? आपल्याला बस कंडक्टरचाही राग येतो, त्याने खड्ड्यात जोडून गाडी घातली. मग आपण प्रत्येकाशी भांडतो का? नाही भांडत. मग तोच उपाय आहे, ती गोष्ट आपल्याला पटत नाही, इग्नोर करायचं. दुसरं वाटलं की चुकीचं घडतं, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण कर. कायदेशीर जी काही लढाई असेल, आता तुम्हाला वाटतं की एक्स आहे ती कोणी व्यक्ती आहे तिनं असं असं बोललेलं आहे, जे चूक आहे, तर जी काही कायदेशीर प्रोसेस आहे ती फॉलो करा. सगळ्यात चांगला वकील लावा, जेणी सांगा केसेस करा, काहीही प्रॉब्लेम नाही. जो काय कायदा आहे ती त्याला धरून तुम्हाला कुणी कधी म्हणणार नाही की त्याच्या पुढे जावं नाही. तेवढं सगळं करा. फक्त असं काही करू नका की जेणेकरून आपलं शहर, आपलं गाव जळेल, पेटेल किंवा भांडणं गंदे बसले होते. फक्त तेवढं आहे. कायदेशीर प्रक्रिया आहे, तुम्हाला कुणालाही कायदे हातात घेण्याचा अधिकार नाही, मलाही नाही. प्रोसेस जी आहे ती ड्युली फॉलोड बाय द लॉ, ज्याला आपण म्हणतो की तुम्ही यायचं, कंप्लेंट रजिस्टर करायची, पोलिसांना जे काय तथ्य तपासत आहे ती तुमची कारवाई सुरू होईल. कुणी असं म्हणायचं नाही आहे की त्यानं आमच्याविषयी असं असं बोललं आम्ही त्याला फाशी देऊन टाकणार, रस्त्यात मारणार, चालणार नाही. त्यांनी पण असं म्हणायचं नाही की यांनी असं असं केलं म्हणून फाशी देणार, मारून टाकणार, चालणार नाही. ती काय कायदेशीर प्रक्रिया आहे तीच होणार. मग कोणताही मोठा लोकप्रतिनिधी असो किंवा कुणी सर्वसामान्य माणूस, कायदेशीर प्रक्रिया आहे तिथंच पालन करायचं. त्याच्यामध्येच सगळ्यांचा फायदा आहे. फक्त एक्स किंवा वाय धर्माचा आहे म्हणून त्याचा आपण राग्रत कसं काय करू शकतो? त्या म्हणजे आपण आयुष्यात आडवाच गेलेला नाही. म्हणजे मी सोलापूरच्या रिक्षा ड्रायव्हरांचा द्वेष करतो, काय संबंध आहे? मला भेटले कधी त्याच्यात कोणी? मी गेलेलोच नाही सोलापूरला आणि मला इथं बसल्या बसला राग येतो, कसं जाते? आणि आपण ज्या कोणत्या धर्मात जन्मलो ते काय आहे? ॲक्सिडेंट आहे, अपघात आहे. माझं नाव गायकवाड असणं हे माझं कर्तृत्व आहे का? मी काहीतरी पराक्रम केले म्हणून मला गायकवाड आडनाव भेटला असं आहे का? ॲक्सिडेंट असतो ना. तो तुम्ही जो मॉरल ऑफ द स्टोरी शेवटचा एका वाक्याचा, कुछ भी हो जाए जिसने कितना भी भडका नाही दो, हमने कुछ भी ऐसा करना नहीं जिससे हम पे केस हो जाए या फिर पुलिस और सिस्टम हमारे खिलाफ हो जाए या फिर हम उनके आगे खड़े रहे. ठीक है, ये हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम लोगों के लिए भी है, सबके लिए. ठीक है, और जो सब ग्रुप में ऐसे मैसेजेस डाल रहे हैं हमारे खुद से, तो वो बड़े रहने के बाद हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमने वही दबा देना है उसको कि भाई ऐसा मत कर, ये तेरा काम नहीं है, इससे झगड़ा हो सकता है, मत कर. ये हर इसी का काम. जैसे अभी मेरे घर का व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरी बहन है पड़ोसी की लड़की, तो वो अगर कुछ कर रही है तो मैं उसको बोलता हूँ ये करना नहीं है, हमने वो ग्रुप छोड़ देना है गुस्से में. ये भी चलता है, उसको समझ में आता है कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है. जसं काही देशभरात जगभरात कुठेही झालं काहीही झालं त्याचे जे काही रिपरकशन्स होतो आपण परिणाम असतील ते आपल्याकडं वाईट करणं होणार नाही. आलं जरी तुम्हाला जरी वाटलं की आपल्या भुसावळमधलं तसं काहीतरी कुणी करतंय, कोणी कर रहा है उस तरह से, तो इसका नाम बोलो, हम उसको यहाँ लाएंगे. जो कोई है पेपर वर्क जिस तरह से भी जितने समझते ना रूल्स में बैठता है उस हिसाब से हम उसको डील करें. ठीक है, आपकी तरफ से कोई भी ऐसी रिएक्शन ना हो फिर से कि पुलिस और आप आमने सामने आते. ठीक है, आता कुणाचे काही इश्यूज असतील काय असेल तर आपण एक एक बोलू शकतो, काय प्रॉब्लेम नाही. आप शासन को हमारा मतलब जो हमारे जिलों में मतलब जो हमारे मोहम्मद साहब के बारे में जो भी करना में और उन्होंने बोले है, तो हमारी भावनाओं को ख्याल में रख के कि हम कितना सबर कर रहे हैं, मुस्लिम कौम कितनी सबर कर रही है. आप देख अधिकारी हो तो आप हमारे यहाँ से भावना आए हमारे शासन तक पहुँचाए कि हम कितना सबर कर रहे हैं और वो उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ऐसा हमारी सबकी क्या भाई राय है. तो आपने तरफ से भी हमारा मतलब ये जाना चाहिए, हमारे मतलब ये सब मुस्लिम समाज की तरफ से आपको एक निवेदन है कि आप हमारा यानी गुस्सा इसको बोलेंगे, हम जिले में रख के हम कामूज बैठे हुए हम कुछ ही नहीं कर रहे. तो बस इतना आपको विनती है कि आप हमारी शासन तक ये बात पहुँचाए. सारा साहबानी की घटना नहीं मिलेगी या घटने के आधार और देख सकते कोणत्याही जाती धर्माला दुखवण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. बरोबर, म्हणून आपण जे आता सर्व सविस्तर माहिती दिलीच आहे आपला धन्यवाद. पण भूतावळबद्दल मी एक आपल्याला सांगू इच्छितो की आपण आल्यानंतर 3 वर्षे ते राहणार, 3 वर्षानंतर आपण जाणार, पण हा गाव हा शहर भूतावळकरांचा आहे. बरोबर, इथे प्रत्येक जाती धर्माचा लोक एकदम आपल्या भाऊबंदीप्रमाणे राहतात आणि भूतावळ हा निली
भारत म्हणून ओळखला जातो। आजपर्यंत भूतकाळामध्ये अशी कोणत्याही प्रकारची जाती दंगल घडली आहे का? आजपर्यंत नाही। देशामध्ये कुठेही काहीही झाला तर आपण भूतकाळामध्ये पेटलं आहे का? मी आपल्या सर्वांच्या वतीने एक गवाही देऊ इच्छितो साहेबांना की साहेब बाहेर कुठेही झाला तो भूतकाळला असं काही घडून होणार नाही। आपण सर्व मान्य करणार आहे का? मान्य। पण आपल्या सर्वांच्या वतीने मी साहेबांना गवाही देतो की साहेब भूतकाळामध्ये काहीच अशी प्रक्रिया घडणार नाही, ना घडली आहे, भविष्यातही घडणार नाही। आपने कहा कि हेलमेट जरूरी है, आगे भी नहीं होगा, लेकिन होता क्या है कि अगर हमारे ऊपर कोई बात आ जाए तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे माँ बाप पर कोई बात आ जाए हम बर्दाश्त कर सकते हैं। इस तरह से आपने एग्जांपल दी, जैसे आपके कोई ना कोई कुल देवत होंगे, बराबर है, 100% वैसे ही सारे मुसलमानों के, पूरी दुनिया के मुसलमानों के, सिर्फ भुसावल के नहीं, सिर्फ देश भर के नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के एक आइडल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ये समझ सकते होंगे कि जो गलती एक औरत ने की, एक आदमी ने की दिल्ली में बैठकर अपनी होशियारी में, उसकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान नाराज़ हुए। सिर्फ दिल्ली के मुसलमान नाराज़ हुए या महाराष्ट्र के या भारत के नहीं हुए, पूरी दुनिया के मुसलमान, बिकॉज वी ऑल आर फॉलोइंग द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कभी भी कहीं भी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप यहाँ पर अभी आए हैं, हमको अच्छा लगा आप जैसे कर्तव्य दक्ष अधिकारी हमको मिले हैं। इससे पहले कोटला साहब ने भी देखा हुआ है, आपके दूसरे अधिकारियों ने देखा है कि हमने जब कभी भी ऐसा कोई मामला आया तो भुसावल में रजा टावर से 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार लोगों का जो है तो जुलूस निकाला गया, जो बड़ा शांतिपूर्वक निकला, हमारे उलमा इकराम की रहबरी में निकला। लेकिन इस बार हमने उस चीज़ को अवॉइड किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर मामला जो है तो सीधा आमने सामने की बात का था, यहाँ पर मामला जो है तो हिंदू मुसलमान का था। अभी तक जितने मामले हुए किसी को न्याय दिलाने की बात थी या संवैधानिक तरीके से लड़ने की बात थी अपने हक के लिए, लेकिन यह हिंदू मुसलमान का मामला था तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम अलग अलग इंडिविजुअली जाकर जो है तो उसके ऊपर विरोध जताएंगे। हम चाहते तो जैसा साहिर भाई और हम मिलके एक मुस्लिम मंच ग्रुप की तरफ से दिया गया, सुन्नी उलमा इकराम की तरफ से दिया गया, दूसरे जमीयतुल उलमा की तरफ से दिया गया, हम सब चाहते तो क्लब होकर एक साथ जो है तो 5-25 हज़ार लोगों का एक मूक मोर्चा निकाल सकते थे। लेकिन होता क्या था कि एक आधा बंदर जो आपने बोला जो उंगली करने का काम करता, अगर वो उसमें कोई शरारत कर देता तो उससे क्या होता कि जो पिछले 40 साल में नहीं हुआ वो अब हो जाता। तो वो समझदारी हमने दिखाई। तो जिस तरह से आपने कहा कि एक गुना की एक ही शिक्षा होगी, कहीं पर भी FIR होगी तो क्लब होकर वो हायर अथॉरिटी को जाएगी, तो आपसे वही रिक्वेस्ट है कि उसको सज़ा मिले, ये तो आप बात पहुँचाओ। लेकिन यहाँ पर भी हमारी भावनाएं दुखी है, हमारे को हर्ट हुआ है, तो हम सब की तरफ से एक FIR बाजार पेट में भी जो है तो नोन की जाए और उसको जो है तो आपके हायर अथॉरिटी में क्लब करके ये बताया जाए कि भुसावल में भी जो है तो भावनाएं दुखी है और इसके ऊपर यहाँ पर भी एक FIR दर्ज हुई है। तो अगर FIR दर्ज हो सकती है तो आप वो ज़रूर करें, या जिस तरीके से भी इस बात को वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है कि यहाँ के लोग भी जो है तो उससे दुखी हुए हैं लेकिन सब्र करके बैठे हुए हैं, सिर्फ कानून पर और संविधान पर भरोसा करें। मीटिंग के अध्यक्ष बाजार पेट के PI साहब और उपस्थित मेरे सभी धर्मगुरु हिंदू मुस्लिम भाइयों, सांताना कमेटी की मीटिंग में जो साहब ने मार्गदर्शन करे अपने को, तो ना भुसावल शहर में, भुसावल शहर की याद ऐसी हमारी है कि जिसमें आधे हिंदू के नाम है आधे मुसलमान के नाम, तो मुकेश को मुसलमान वोट की गराज है और पापा को हिंदू वोट की गराज है। जब हमको एक मेट के हिंदू मुसलमानों को एक मेट के वोटों की गराज है और हमारा जो यहाँ हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं होता है, तो ये मेन मुद्दा जो है राजकारण, क्योंकि राजकारण में हम एक मेट को काम गिरता है। जैसे अभी साथ में अपने को सबको बुला के भागे दर्शन करे कि भाई जो वाटसा जो भी चल रही है होना नहीं चाहिए, तो ये एक कमजोर अपने को एक मार्गदर्शन हुआ। तो ये मार्गदर्शन अपने को अपने लोगों को बताना है और अपने कार्यकर्ता को बताना है कि अपने को कोई भी व्हाट्सएप या कोई भी मैसेज है उसमें अपने को ख्याल देना नहीं है। जैसा भी अपने बाजू में ब्याह भी हुआ अपने कैसा बोले वो उस चीज़ से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको अगर हमारे गाँव में ऐसे भाई ने बोलता है कि हिंदू मुस्लिम एकता हमारी कायम रखना है, तो आने वाला जो इलेक्शन है तो हमको तो हिंदू को वोट देना है,
अगर हिंदू के विरोध में बोलेंगे तो वोट नहीं मिलेंगे, अगर मुकेश ने मुसलमान के विरोध में तो मुसलमान मुकेश को वोट देगा नहीं। पर पूरे भारत में 20 से 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, कितने खासदार चुन के जाते मुसलमानों के, मेरे हिसाब से 10 जीत जाते होंगे, जब से जाने होना था कम से कम 50। तो हमारा जितना भी मत है सब हमारे हिंदू लीडरों की थे, हिंदू भाइयों की थे। जैसे अभी हमारे भाई ने बताया कि अगर कायदा और सुरक्षा हमारे देश की हमारे देश की अच्छी जगह के लिए, तो मैं प्रशासन से भी ये विनती करूँगा कि जो भी वफा वाता हुआ तो सब वो वफा वाने वाले को अटक करो और थोड़ा ट्रीटमेंट जो अपना चालू है वो कोरोना का दोस्त जो चालू है, अगर वो दोस्त मिलते रहा था तो कभी बीमारी हुआ करता हूँ। जय हिंद जय भारत। अंगडगुरु हा शुद्ध मूर्खपणा आहे, बरोबर। तिसरी गोष्ट, मी शुभेच्छा हिंदुस्थानतर्फे बोलतोय की आम्ही आमच्यातर्फे कधीही कधी कुठेही कायदा मोडणार नाही, कारण की एक अधिकारी फार मस्त बोलत आहे, तुम्ही तर आहेच, तुम्ही स्पष्ट आम्हाला कधीही मदत करायला तयार आहे आणि आम्ही समजतो की जो कायदा राहील तो फायदा होईल, हे आम्ही कायम लक्षात ठेवून त्याच म्हणून आहोत। अजून कोणी बोलणार असेल बिलकुल बोलून घ्या। धन्यवाद। दाखल किया जाए हुजूर की शान में, मगर उन्होंने सुना नहीं। जब अरब देशों से दबाव आया उसके बाद उन्होंने गुनाह दाखिल किया, तो ये शर्म की बात है कि नुपुर शर्मा की वजह से हमारे देश को बदनामी को झेलना पड़ रही है। गुन्हा आधी दाखिल झाला होता, पार्टी जो काढलं ते नंतर काढलेला होता। We are the trendsetters in education. We are now in Bhusawal. आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भुसावल शहर में सतपुड़ा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था पलशी वैद्य द्वारा संचालित मरहुमा हज्जन शकीला बी अब्दुल वहीद देशपांडे कॉन्वेंट हाई स्कूल सेमी इंग्लिश एंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू है। साथ ही नवी 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा की विशेष बैच के साथ फाउंडेशन कोर्स नीट जेईई सिविल सर्विसेज एंड एमएच सीईटी। स्कूल का पता बीएस पटेल एजुकेशनल कैंपस हिना पार्क ग्रीन पार्क के करीब विवेकानंद स्कूल के पीछे भुसावल, पिन कोड 425201। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9271392591 9156969786। ईमेल आईडी bspatel@educationalcampus@gmail.com। वेबसाइट bspatel@educationalcampus.com।